चलिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन वेव आपस में एक दूसरे के पास सेम फेज में आती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स ड्यू टू अट्रैक्शन, और बनने वाला जो होता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। आया ना? पक्का? अब अगर अपोजिट फेज में मिलते हैं तो फिर वो आपके क्या होता है, अपोजिट फेज में मिलने पर आपके वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होता था, एंटी बॉन्डिंग बनता था। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से। फिर हमने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जो वेव फंक्शन होता है वो डिसाइड किया जाता है किससे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने को बताएंगे, और वो दो तरह से होता है, एक एक्सियल और एक साइडवेज। और आज हम पढ़ेंगे अब कौन सा वाला, साइडवेज। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो दो तरह से था उसमें से अगला कौन सा आ रहा है, साइडवेज। अब ये एक तरह से पाई बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड जब हमने पढ़ा था तो पी पाई पाई होता था, डी पाई होता था, और डी पाई होता था। तो हम यहां पर हर एक ओवरलैपिंग को दो बार बनाएंगे, एक सेम फेज में एक अपोजिट फेज में। तो आप बताओ टोटल कितने डायग्राम बनाऊंगा मैं, छह। एक पी पाई का सेम फेज में, एक पी पाई का अपोजिट फेज, एक डी पाई का सेम फेज, एक डी पाई का अपोजिट फेज, एक डी पाई का सेम फेज, और एक डी पाई का अपोजिट फेज। ठीक है, अब देखो साइडवेज। ठीक, पहला पी पाई, ये पी ऑर्बिटल है, आया ना, और ये भी पी ऑर्बिटल है। ये इनका मैंने फेज डिसाइड किया है, क्या है ये फेज, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। अब ये आपका देखो सेम फेज है, तो आपस में जब मिलेंगे तो पाई बॉन्ड आपको पता है कैसे बनता है, ये दोनों आपस में मिलेंगे ऐसे, तो ये पाई बॉन्ड जब बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमेशा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे होती है। दोबारा से बोलो क्या बोला मैंने, इन इनके अंदर जो है वो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, बोलो, साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग में हमने पढ़ा था कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो होता है उसके ऊपर और नीचे होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ऊपर और नीचे आएगी, और ये जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस, ये जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस। अब इधर देखो, ये जो होगा वो क्या होगा, अगर मैं यहां पर बात करूं ये प्लस और ये माइनस, तो देख के बताओ यहां पर सब सेम फेज है कि अपोजिट फेज। अगर ये अपने एक दूसरे के पास आएंगे तो इन दोनों में आपस में क्या होगा, रिपल्शन, आया ना, इनमें क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो ये ऐसे मुड़ जाएंगे, ये भी ऐसे मुड़ जाएंगे, तो ये आपका प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ये तो ये आपका क्या हो गया, पी पाए ठीक है, सेम फेज अपोजिट फेज। अब जो है वो डी की बात करें, ये कौन सा फेज है, सेम फेज। अब आप इसमें डाउट आएगा आपको कि आप साइन कैसे दे रहे हो, साइन कैसे दे रहा हूं वो समझना। इसका एक नाम है डी एक्स वाई, इसका नाम क्या है जल्दी बताओ, डी एक्स वाई। ठीक, अब आप अगर देखो तो ये माइनस एक्स बनेगा, ये माइनस वाई बनेगा, क्लियर। ये एक्स है, ये वाई है, ये दोनों अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, एक्स और वाई पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो स्लोप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। यहां देखो मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, ये आपका वाई है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, यहां रखोगे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होते तो नेगेटिव होता है, इसलिए स्लोप नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव यहां पुट करो, माइनस इंटू माइनस,
क्या होता है, प्लस, यहाँ प्लस आएगा, ये आपका क्या है और ये आपका माइनस, तो क्या होगा ये बोलो, आया ना, क्या होगा, प्लस और माइनस, माइनस, तो इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, अब ये जब मिलेंगे तो सेम फेज में मिलेंगे, हमने पढ़ा था सेम फेज में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है न्यूक्लियस के बीच में, लेकिन जब हम साइडवेज के लिए बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और एंटी बॉन्डिंग जब होगा तो इस न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, तो देखो घट गई। अब इधर आओ तो यहां पर भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें आ जाएगी, इसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें आ जाएगी, ठीक है, और ये आपस में मिल जाएंगे, तो सिचुएशन कैसी बनेगी देखो, ये माइनस ये प्लस, अब अगर आप देखो तो ये आपका ये प्लस ये प्लस ये माइनस और ये माइनस, तो यहां आपका क्या आएगा माइनस और ये प्लस, तो अब इसको देखो आप क्या होगा, जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, ये इसको धक्का देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इसको धक्का देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये लोब बड़ी ये लोब बड़ी, ये दोनों क्या हो जाएंगी छोटी, और ये इसको रिपल्शन मिलेगा तो ये मुड़ जाएगा ऐसे, इसको रिपल्शन मिला तो ये मुड़ गया। अब देखो इधर ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहां क्या आएगा माइनस, यहां प्लस, यहां लोब में क्या था प्लस और यहां लोब में क्या था माइनस, यहां क्या था माइनस और यहां क्या था प्लस, क्लियर, ये न्यूक्लियस हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका डी पाई पी पाई। अब आया डी पाई डी पाई, प्लस प्लस ये कौन सा फेज है बताओ, सेम फेज, अगर सेम फेज में होगा तो क्या होगा, जल्दी बोलो, सेम फेज में होगा तो क्या होगा, आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर अट्रैक्ट होगी, आया ना, अबे क्या सो रहा है, पागल हो गया क्या, देख इधर, अबे जागो, सुनाई दे रहा है, हाँ, तो ये देखो ये क्या हो गया, ये इधर से इधर आएगी डेंसिटी अट्रैक्ट होगी, इधर से इधर आएगी और इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट होगी, इधर से इधर आएगी, तो बीच में क्या होगा, ये माइनस आएगा प्लस आएगा और यहां ये छोटे हो जाएंगे क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये हो जाएगी, ठीक है, अब देखो आगे, प्लस माइनस, अब अपोजिट फेज में कर दें, ठीक है, इसका डायग्राम नीचे बना देते हैं, तो क्या होगा सोचो, जब ये और ये आपस में मिलेंगे तो रिपल्शन होगा क्योंकि अपोजिट फेज है, अपोजिट फेज होता है तो रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होता है तो क्या होता है, देखो यहां से सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर चली जाएगी, यहां की भी सारी उधर चली जाएगी, तो ये छोटे हो जाएंगे ये बड़े हो जाएंगे, तो कैसा दिखेगा देखो, ये ये बनेगा टोटल, देखो आप, ठीक है, अब जरा डायग्राम की बात करते हैं, सबसे पहले ये कौन से फेज में हुआ बताओ, सेम फेज, अगर ये सेम फेज में हो रहा है इसका मतलब क्या निकालेंगे बताओ, हाँ
सेम फेज, तो क्या बोलेंगे इसको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कौन से फेज में हो रहा है, अपोजिट, अपोजिट का मैंने क्या बताया था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको देखो कौन सा फेज था, सेम फेज बॉन्डिंग, ये क्या होगा, अपोजिट फेज है, एंटी बॉन्डिंग, उधर आओ, ये क्या होगा, सेम फेज है, बॉन्डिंग। यहां देखो क्या है, ये अपोजिट फेज, एंटी बॉन्डिंग, सॉरी यहां नीचे वाला क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग, क्लियर। चलो नोट कर लो इसको। एक बच्चे ने लिखा कि आप है ना मिटा देते हो, हमें पॉज कर करके लिखना पड़ता है, तो वीडियो शूटिंग में यही तो फायदा है, पॉज करके लिखो। अगर मैं लिखने का टाइम दूंगा तो बट बोर हो जाओगे आप इतना, लेकिन अब आपको बोर नहीं होना है, ठीक है, आप इसको लिख लो आराम से, मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं, पॉज करके देख लेना आप, ठीक है, कंटिन्यू। कल हमने पढ़ा था नोडल प्लेन, नोडल प्लेन बताया था ऐसा इमेजिनरी प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 पाई जाती है, लेकिन वो मस्ट बी पास थ्रू न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट बी पास थ्रू मिड पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर ध्यान दूं तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसका मिड पॉइंट ये आएगा, तो यहां से एक नोडल प्लेन ऐसे आ जाएगा, एक नोडल प्लेन ऐसे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नोडल प्लेन 1 आएगा, नोडल प्लेन 1, इवन नंबर है कि ऑड, ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो हमने कहा था अंजीरेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अंजीरेट, क्या, अंजीरेट। अब इधर देखो, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इसका मिड पॉइंट ये रहा, मिड पॉइंट है, तो एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, नोडल पिन कितने हुए, 2, ठीक है, कितने हुए, 2 नोडल पिन, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये मिड पॉइंट है, एक यहां से नोडल पिन 2, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो क्या आएगा, साई जी, क्या आएगा, साई जी, इधर आओ, ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये अगर मिड पॉइंट है तो यहां से आएगा, बीच में से आएगा, तो नोडल पेन कितना बोलेंगे इसका, 1, 1 है तो साई क्या आएगा, यू, इधर आओ, ये मिड पॉइंट है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, एक नोडल पेन, ये एक है, 2 आ गया, तो नोडल पेन कितना है, 2, और अगर नोडल पेन 2 आए तो क्या आएगा, ये साई जीरेड, इस तरफ आओ, यहां क्या आएगा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये मिड पॉइंट है, यहां से आप देखो बीच में से जाएगा, बीच में से अगर जाएगा तो क्या होगा, नोडल पिन 1, नोडल पिन 1 है तो साई क्या आएगा, यू, ये आपका देखो मिड पॉइंट ये रहा, मिड पॉइंट ये रहा, यहां पर आएगा मिड पॉइंट, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का 1 और 1, नोडल पिन कितना आएगा, 2, तो साई क्या आएगा, जी, क्लियर। तो ये नोडल पिन भी आ गया आपके पास, और इस नोडल प्लेन की हेल्प से आपने जीरेड
और अनजीरेड भी सीख लिए। समझ में आया? हाँ या ना भाई? हाँ तो बोल दिया करो। दैट्स द स्पिरिट। अब आप यहां पर हम बात करते हैं, एक पता है क्या कि सर आपने कल 180 से रोटेट करके बताया था, वो भी तो बताओ। सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला बताया था, वो भी तो बताओ। तो अगर जीरेड है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, अगर अनजीरेड है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले इन दोनों में। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन डस्टर्स को देखें आप। ठीक है, ये डस्टर दिख रहे हैं, मान लीजिए यहां पर प्लस है और यहां माइनस है। इससे एज्यूम करना यहां प्लस यहां माइनस, तो अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो क्या होगा? साइन चेंज हो गए। और अगर साइन चेंज हो गए तो क्या हुआ? साइन चेंज हो गए ना, साइन चेंज हुए तो क्या हुआ बोलो? अनजीरेड। दिख रहा है? अनजीरेड। ठीक, अब दोबारा समझना यहां पे इसका। देखो आप इसको ऐसे समझना, आप ये दो हिस्सों में समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर मैं इस वाले हिस्से को इधर लाऊं तो इसका मतलब क्या निकलेगा? देखो ये माइनस यहां आएगा, ये प्लस यहां आएगा, और ये इंटरचेंज हुआ तो ये उधर जाएंगे, ये प्लस उधर जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा। एक रोटेशन हुआ अभी ये सिर्फ। अब दूसरा रोटेशन ये होता है 180 से ऊपर। आफ्टर टू रोटेशन साइन विल नॉट चेंज, तो जीरेड है, और आफ्टर टू रोटेशन साइन अगर चेंज हो गया तो अनजीरेड है। तो दोबारा से समझना, मैं फिर लिख रहा हूं। जब मैं इसको पहला रोटेशन ऐसे दूंगा तो क्या हुआ? ये यहां आएगा प्लस, इसका यहां आएगा नेगेटिव, उल्टा यहां प्लस और यहां नेगेटिव। हाँ है ना? अभी एक रोटेशन ये भी बाकी है। जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा यूं तो इसका मतलब ये वाला प्लस वापस उधर चला जाएगा, उसका नए माइनस यहां आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस, और ये नीचे आएगा तो प्लस। साइन वैसे के वैसे ही है जैसे पहले थे। देखो ध्यान से, अगर ये साइन वैसे ही है पहले के पहले जैसे थे तो इसका मतलब यहां साइन चेंज नहीं हुआ। साइन चेंज नहीं हुआ है तो क्या कहलाएगा? ये जीरेड बन जाएगा। क्लियर? इस तरफ हमने जब एक बात बोली थी कल कि जब बॉन्डिंग बनता है, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है उसको काउंट नहीं किया जाता है। यहां घटी थी, आप देखो ये किसकी तरह दिख रहा है? फर्स्ट वाले की तरह। तो फर्स्ट वाला अगर जीरेड है या अनजीरेड है तो अनजीरेड ही आएगा। आया ना? सेकेंड वाले में आओ। कल आपको बताया था कि अगर एंटी बॉन्डिंग में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती है। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती है, तो यहां इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो घट जाएगी। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है वो हिस्सा काउंट नहीं करते, तो ये हिस्सा काउंट नहीं होगा। ये हिस्सा अगर काउंट नहीं होगा तो क्या होगा? ये साइन से देखते हैं, कल भी बताया था मैंने, ज्योमेट्री वोमेट्री मत जाना, ये टेढ़ा ये मेढ़ा ये मोटा ये पतला ना। साइन देखो, ये प्लस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, सेम एज इसको हटा दो तो जैसा ही आएगा वैसा ही आएगा। नोडल पेन दो और जी रेड, इधर आओ। ये मैंने कहा था काउंट नहीं होंगे जहां ये है, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस दिख रहे हैं, तो क्या हुआ? ये सेम ऐसा का ऐसा ही है। सेम अगर ऐसा का ऐसा ही है तो क्या हुआ बोलो? सेम अगर ऐसा का ऐसा ही है तो बॉन्डिंग और अनजीरेड। इधर आओ, एंटी बॉन्डिंग में अपन ने क्या बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, एंटी बॉन्डिंग में क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो वो पार्ट नहीं होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है तो ये पार्ट नहीं है, तो ये हटा दूं यहां से, छुपा लो, इसको भी छुपा लो। अगर इसको आप छुपा लोगे तो देखो आप क्या दिख रहा है उधर। साइन चेक करो, साइन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइन अगर सेम, मैंने फिर से कहा था आड़ा है तिरछा है मोटा है पतला है मुड़ा हुआ है टेढ़ा है ऐसा है वैसा है वो नहीं। साइन देखो बस, साइन सेम आ रहे हैं तो सेम आएगा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो 2 मिनट दे रहा हूं आपको।
हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका की पॉइंट देखो, क्योंकि सवाल तो की पॉइंट से ही सोल्व होंगे। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर ये डायग्राम है, फूल पत्तियां, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर मैच द कॉलम आता है इसमें से। क्या बोला मैंने? एग्जाम के अंदर मैच द कॉलम आता है इसमें से। दोबारा से बोलना, क्या बोला मैंने? एग्जाम के अंदर मैच द कॉलम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, की पॉइंट इसका पता है क्या है? AG2। इसका की पॉइंट बहुत सिंपल है, AG2। AG2 का मतलब समझते हो कि अगर कहीं एंटी बॉन्डिंग बना है तो वो जीरेड होगा और उसका नोडल प्लेन 2 होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इनके नोडल प्लेन क्या दिख रहे थे? 1 2 1 2 1 2। स्नेहा सीज को उठा के फेंक दो। क्या की पॉइंट है बताओ? 1 2 1 2 1 2। स्नेहा सीज को उठा के फेंक दो। क्या की पॉइंट है बताओ? 1 2 1 2 1 2। घोष बाबू को उठा के फेंक दो। Clear? तो इसका मतलब की पॉइंट फिक्स है इसका AG2। AG2 का मतलब एंटी बॉन्डिंग होगा तो जीरेड होगा। जैसे एक सवाल पूछा जाएगा आपको, ऐसे दे देगा डायग्राम, ये, और आपसे पूछेगा कि ये बनने वाला जो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो क्या होगा, उसके नोडल प्लेन क्या होंगे। तो आंसर आप क्या देंगे फटाफट बताओ? कि अपन ने देखा सेम फेज है कि अपोजिट फेज, तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि यार अपोजिट फेज है, अपोजिट फेज है तो क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। और सर ने इसका की पॉइंट दिया था AG2। AG2 का मतलब क्या बना? एंटी बॉन्डिंग, जीरेड और नोडल प्लेन 2। क्या बना जल्दी बताओ? एंटी बॉन्डिंग, जीरेड और नोडल प्लेन 2। अगर इसकी जगह वो ऐसे दे देता, ये, तब क्या होता जाता देख के बताओ? अब ये सेम फेज है, सेम फेज है तो इसका मतलब देखो सेम फेज दिख रहा है तो क्या दिखेगा? बॉन्डिंग। और अगर बॉन्डिंग दिखेगा तो देखो BU1, इसी को देख के बोलना, BU1। क्या बोलना जल्दी बताओ? BU1। क्या बोलना है? BU1। आया ना? पक्का? तो इस तरह के की पॉइंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें तीसरा सवाल, अब आप बताओ इसमें क्या बनेगा फटाफट से, सोचो, 2 मिनट का समय है आपके पास, आपका समय शुरू होता है अब। चलो आंसर आपके पास आ गया होगा, क्या लिखा होगा आपने? सेम फेज है तो BU1, लेकिन आंसर गलत है। इसका आंसर आएगा AG2। ठीक है, क्यों आएगा सोचो? क्योंकि यहां माइनस कर दिया मैंने। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई जब होगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? प्लस। यानी फेज चेंज हो गया तुरंत। तो फेज चेंज होते ही एंटी बॉन्डिंग हो गया, क्योंकि अपोजिट फेज हो गया, ये अपोजिट फेज होते AG2 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें गलतियां कराएगा एग्जामिनर आपसे कि फेस चेंज कर दिया। जैसे मैं एक सवाल और दूं आपको, अब ये क्या है बताओ? ये सेम फेज है कि अपोजिट फेज है? चेक करके बताओ। ऐसे उल्टे सुल्टे साइन दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस।
यहां वाला साइन देखो माइनस है, अंदर वाला भी साइन माइनस होगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस और माइनस सेम फेज है तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग, तो बी यू वन। लेकिन अगर इसी को चेंज कर देता वो, अब क्या होता, तो अब आप देखो क्या दिख रहा है आपको, सेम फेज दिख रहा है, नहीं है क्योंकि ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा माइनस, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा तो क्या होगा, प्लस और ये माइनस, यानी अपोजिट फेज, तो ये क्या बनेगा, ए जी टू। इस तरह से आपको सवालों को सॉल्व करना है। तो अगर आप इस की पॉइंट को अप्लाई करेंगे तो इस की पॉइंट को अप्लाई करने पर आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। क्लियर सबको? हाँ तो बोल दो, ठीक है लिख लो पहले, नहीं तो फिर कोई कहेगा मिटा दिया आपने, लिखने का टाइम नहीं देते हो। लिख लो बेटा, लिख ले, ओ आराम से लिखना अच्छे से। ठीक है, ये आपका एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। अगला एक ऑर्बिटल होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ध्यान से समझना, इसको उलझ जाते हैं नहीं तो हम, सुनना जरा। जैसे मान लो ये एक ऑर्बिटल है और ये भी एक ऑर्बिटल है, ये इसका प्लेन सेम है, इसका भी प्लेन सेम है, जब ये आपस में आकर के सेम प्लेन में मिलते हैं ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेम प्लेन है और सेम फेज, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। प्लेन सेम है लेकिन फेज मैंने क्या कर दिया, अपोजिट, तो कौन सा बना, एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? मैं लिख रहा हूं ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, सेम प्लेन, ठीक है, प्लस सॉरी सेम प्लेन सेम फेज, तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग। सेम प्लेन अपोजिट फेज, अपोजिट फेज, तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। अब तीसरा जो नॉन बॉन्डिंग होता है वो कब बनता है, जब प्लेन सेम ना हो, परपेंडिकुलर, ऐसे जैसे एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, अब ये जो आपस में आके मिलेंगे ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई। अपन ने लास्ट ईयर पढ़े थे ना ऐसे, कि अगर मान लो एक ऑर्बिटल ऐसे आता है और एक ऑर्बिटल ऐसे आता है, तो हमने कहा था ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती। तो यहां एमओटी के लिए वो ये बोलते हैं, जो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती उसको वह नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देते हैं। तो नॉन बॉन्डिंग कब कब बनेगा, जब प्लेन सेम नहीं होगा। दूसरा, अगर इनका एनर्जी लेवल सेम नहीं है तो ये आपस में मीट नहीं करेंगे, गैप आ गया ना अगर ऐसे, तो ये आपस में बिना मिले ही चले जाएंगे। तो अगर गैप आ जाता है तब भी क्या कहा जाता है, जल्दी बोलो, गैप आ जाता है तब भी क्या कहा जाता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपसे एक सवाल पूछे असर्शन रीजन में, कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब आपस में मीटिंग करते हैं, उनका प्लेन सेम होता है और फेज अपोजिट होता है, तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। फिर बोले कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब एक दूसरे के पास आपस में आते हैं और उनका प्लेन अपोजिट, प्लेन डिफरेंट होता है, ठीक है, तब क्या बनेगा, नॉन बॉन्डिंग, डिफरेंट प्लेन। ठीक है, जैसे आप समझना इसको। कि अगर ये एस ऑर्बिटल है, अब एस ऑर्बिटल के अंदर तीनों एक्सिस पर सेम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, ऐसे क्लियर, ऐसे। अब हमने क्या मान लिया इसको, अभी प्लस, ठीक है ना, ध्यान से देखना, मैंने इसको क्या मान लिया, अभी प्लस साइन, जो भी फेज है। अब मैंने इसमें क्या लिया, पी ऑर्बिटल,
और मैंने लिया x इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्या वाले लिया बताओ, x इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर x इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो ये दोनों जब मिलेंगे, सोचो तो इसका मतलब ये x होनी चाहिए। अब ये x अगर है एक्सिस तो ये या तो पी वाई होगा या पी जेड होगा, ठीक है। अब जब ये आपस में मिलेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी सोचो, ऐसे ये प्लस प्लस ये प्लस माइनस, यानी ये जितना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ उतना ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, यानी जितना ये बढ़ा उतना ये घट गया, नेट क्या रह गया, जीरो, यानी कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई। इसको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लास्ट ईयर की एनसीईआरटी यानी 11वीं की एनसीईआरटी में ऐसी कुछ ओवरलैपिंग दी गई थी, उस समय आप पूछते थे डाउट आके कि सर ये कैसे होता है बताओ, तो उस समय नहीं बता पाते, क्यों, क्योंकि उस समय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको नहीं पता थी। अब आप बताओ, जैसे मान लो ये आपका, ठीक है, प्लस माइनस, ये आपका प्लस माइनस, तो अब देखो आप क्या होगा, ऐसे मिलेंगे ये, तो अब सोचो क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस प्लस, ये प्लस और ये प्लस माइनस, अब बताओ क्या होगा, ये भी क्या कहलाएगा, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि इफ जेड इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस s ऑर्बिटल है, ठीक है, अब की बार z है, ठीक है। अब आप सोच के बताओ कि इसमें और dxy में क्या बनेगा, ये ऑर्बिटल s हो गया और ये आपका dxy हो गया, सोचो अब क्या बनना चाहिए इसमें, कौन सी एक्सिस अपन ने बोला आपकी बार है, z एक्सिस ये रही। अब z एक्सिस अगर आप ये ले रहे हो तो इसका मतलब ओवरलैपिंग के लिए s ऑर्बिटल को कहां से आना पड़ेगा, ये देखो ध्यान से देखो, यहां से इसके ऊपर कहां से आना पड़ेगा, ये यहां से आया, देखो इसके ऊपर गया ऐसे। अब जब वो इसके ऊपर गया तो कैसी ओवरलैपिंग हुई होगी सोचो, ऐसे, इस पर प्लस है तो प्लस प्लस, प्लस माइनस बराबर जीरो हो गया, ये प्लस प्लस और ये प्लस माइनस बराबर जीरो, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। अगर उसने अगला सवाल पूछ लिया ऐसे कि अब की बार सेम यही है, एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है और ये एस ऑर्बिटल है, ये आपका डी एक्स वाई है, ये अब आप देखो क्या हुआ, अब x अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो ये x के साथ जाएगा ऐसे, ऐसे अगर ये ऐसे जाएगा तो ये प्लस प्लस और ये प्लस माइनस, तो यहां पर भी वही सेम बात हुई कि ये बढ़ा ये घटा तो फिर नॉन बॉन्डिंग, तो नेट ओवरलैपिंग जीरो। इस तरह से नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, नोट कर लो इसको फटाफट पहले।
हो गया। एक सवाल लिखो, चलो सवाल लिखना। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई जब ओवरलैपिंग करते हैं और जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स आपको ये बताना है। क्या व्हेन जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई फॉर्म नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट लिखो व्हेन जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, व्हेन जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस when z is internuclear axis, z is internuclear axis then ठीक है dx square minus y square and dxy form non-bonding molecular orbital, formed non-bonding molecular orbital non-bonding molecular orbital ठीक है explain दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। अब मैं यहां पर सबसे पहले तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना रहा हूं, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में पहले तो साइन देना सीखते हैं अपन, क्या सीखते हैं साइन, ये एक्स है और ये वाई है, ये माइनस वाई हो गया, ये माइनस एक्स हो गया। अब ये जो लोब है वो किस पर है, देखो आप एक्स पर, और ये एक्स पर कौन सी लोब है, प्लस, ठीक है। ये लोब के लिए वाई की वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि ये वाई पर है ही नहीं है लोब, जीरो। तो अगर हम यहां देखें तो प्लस आएगा वैल्यू, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस। इस पर देखो साइन, ये लोब वाई पर है, वाई प्लस आएगा तो प्लस का स्क्वायर प्लस, लेकिन ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस। यहाँ देखो ये माइनस है, यहाँ रखो माइनस, माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा प्लस, ठीक है, और वाई की वैल्यू जीरो आएगी इसलिए यहाँ क्या आएगा प्लस। इस पर देखो माइनस है, माइनस रखोगे यहाँ, माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन वो फिर प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वापस क्या आ जाएगा माइनस। ये साइन होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। अब आपको उसने कहा डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई ये रहा प्लस प्लस माइनस माइनस। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी बोली उसने, जेड, जेड कहाँ होती है, यहाँ पे, ये एक्स है ये वाई है तो यहाँ आएगी जेड, तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर से आएगा ऐसे कैसी आया ना, पूरा का पूरा इसके ऊपर से आएगा कि नहीं आएगा, यह आएगा। अब इसके ऊपर आप देखो, इसके ऊपर आपका क्या आएगा, सेम है जैसे कैसे आ जाएगा वो,
ये ऐसे आके बैठेगा। अब देखो आप ओवरलैपिंग ही नहीं हुई है, तो क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जो प्लस है, ये प्लस, ये इस प्लस के साथ भी है, माइनस के साथ भी है, ये माइनस इस प्लस के साथ है, माइनस के साथ भी है, ये प्लस इस माइनस के साथ भी है, प्लस के साथ। तो यानी कि टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? नॉन बॉन्डिंग। कौन सा होगा बोलो? नॉन बॉन्डिंग। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर लिखना ट्रू, कि अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई, ठीक है, फॉर्म नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑर्बिटल व्हेन जेड इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो नॉन बॉन्डिंग ही बनेगा। क्लियर? चलो नोट कर लो इसको, चलो एक मिनट का समय दे रहा हूं। अब एक सवाल और, नोट करो इस सवाल को। डी एक्स व्हेन जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, व्हेन जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बताओ। पर पहले वाले रिपीट कर दिया है ना? अरे यार शिट, हंस रहे हो बेटा मेरे पे, है ना? यही आईटी है, पहले वाला रिपीट कर दिया, सोच रहे हो आप, ये तो बता ही दोगे आंसर, है ना? अबे गलत है, दोबारा रिमाइंड करो और दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। पीछे लो, पीछे लो, ये देखो, ये स्क्रॉल करो, वापस रुको। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने स्टेटमेंट को। When z is internuclear axis, then dx square minus y square or dxy, और बोला है, और पहले वाले में एंड था, ठीक है, और अब बोला है और। दोनों स्टेटमेंट में अंतर है, एक में एंड है, एक में और है। इसका मीनिंग होता है तथा, इसका मीनिंग होता है अथवा। जब हमें बड़े बड़े सवाल दिए जाते थे स्कूल में, 5 नंबर के जब पैराग्राफ आते थे, पीछे पीछे हम पेज पलटते थे पेपर का, तो लिखा होता था ये सवाल और ब्रैकेट नीचे लिखा था और ये सवाल, यानी कि या तो ये करिए या ये करिए। इसका मतलब है या तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग करे या ये इसी के साथ ओवरलैपिंग करे, तब क्या नॉन बॉन्डिंग बनेगा, ये सवाल है। यही आईटी है बेटा, अपने कानों पे ईयरफोन लगाने से समझ में नहीं आएगा, इस दिमाग की बत्ती जलाएगा और मेंटोस खाएगा तभी जाके समझ में आएगा, यही आईटी है। तो अब अगला सवाल कर रहे हैं और, ठीक, अब और में देखो क्या सिचुएशन है। अब ये कह रहा है कि इसी का इसी के साथ, यानी कि जब ये साइन है, देखो आप, ये प्लस है, यहां पर ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब अगर आप देखो इसी का इसी के साथ, तो ये दो तरह से ओवरलैपिंग कर सकता है ना, या तो ये अपने ऊपर आएगा सेम फेज में, या ये आएगा अपने ऊपर अपोजिट फेज में, यानी ये इसी के ऊपर एक बार आके ओवरलैपिंग करेगा सेम फेज में और एक बार आके ओवरलैपिंग करेगा अपोजिट फेज में। अब हो सकता है आप जब दिमाग लगाओ थियोरिटिकली अपोजिट फेज में, तो आपको लगे इस पे साइन कैसे मैच करेंगे, ये क्या करेंगे, ये नहीं करना है, क्योंकि ये हम थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। वो जो ओवरलैपिंग बता रहा है वो तो पूरी मैथमेटिकली बता रहा है ऐसे,
हम इसको थ्योरेटिकली मान रहे हैं कि सेम फेज में करेगा या अपोजिट, और सेम फेज में करेगा तो चारों लोब एक दूसरे के पास आएंगी, और चार लोब जब डी की मिलती है तो ऑर्बिटल कौन सा बनता है? डेल्टा। याद करो 11th में क्लास में बताया था कि जब चारों डी ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं तो उस बनने वाले बॉन्ड का नाम होता है डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। और अगर अपोजिट फेज में आएंगे तो क्या बनाएगा वो? डेल्टा एंटी बॉन्डिंग। आया ना? इसी तरह से इसके अंदर भी वही होगा डी एक्स वाई में। इसके साथ भी क्या होगा कि अगर सेम फेज होगा और ये क्या हो गया अपोजिट, सेम फेज में आएगा तो क्या बनेगा? वही डेल्टा बॉन्डिंग, और अपोजिट में आएगा तो डेल्टा एंटी बॉन्डिंग। क्लियर सबको? अब यहां पर एक सवाल उसने पूछा, नोडल प्लेन बताओ इस डेल्टा बॉन्डिंग के, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये आपका एक नोडल प्लेन तो ये हो गया, ये जा रहा है यू प्लेन, एक ये जा रहा दो, तो डी ऑर्बिटल के दो नोडल प्लेन तो आपको पहले से ही पता है कि एक ये होता है और एक ये होता है। अब जब मैं डेल्टा बॉन्डिंग बनाऊंगा तो बॉन्डिंग में क्या ऐसा होगा कि इसी के ऊपर ऐसे बैठा होगा वो? जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने? इसी के ऊपर बैठा होगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ? ऐसे कैसे ही बैठा होगा इसके चारों तरफ, ये ऐसे कैसे इसके ऊपर आएगा? ये तो आप देखो, इसका बॉन्डिंग ऐसा होगा और इसमें नोडल पेन भी वही आएंगे सेम, एक और दो। तो इसका मतलब इसका नोडल पेन तो अभी भी क्या आएंगे? अपोजिट फेज की बात करो, सोचना आप, तो अपोजिट फेज में क्या होगा? धक्का पड़ेगा ऐसे, क्योंकि रिपल्शन होगा, धक्का पड़ेगा तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। हाँ तो बोल दो, धक्का देगा तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो देखो यहां पर भी एक नोडल पेन आएगा बीच में ऐसे, इस वाले और इस वाले डी के बीच में, तो एक ये और एक ये वाला भी नोडल पेन आएगा एक, तो टोटल नोडल पेन कितने आएंगे? तीन। ये आपके तीन नोडल पेन है। क्लियर सबको? हाँ या ना? बोलो। ये आपका एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, जिसमें डायग्राम्स आते हैं। अब आप एक काम करेंगे, सुन लो ध्यान से, सारे डायग्राम्स आप खुद बना के देखेंगे, बिना बनाए अगर आपने देखा तो ये उड़ जाएगा। पहली बात, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नीट देते हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई ओलंपियाड देते हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, कोई केवीपीवाई देने जाओगे इस साल तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम दोगे आप दुनिया का उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सवाल आता है। और 90% लोग ये डायग्राम नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि कुछ और पढ़ाते हैं जो मैं कल बताऊंगा, एनसीईआरटी में भी आप देखोगे तो मैं जो कल पढ़ा, मतलब अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, वहां से है, लेकिन सवाल यहां से आते हैं और बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से बनाएं, की पॉइंट इस्तेमाल करें, दिमाग लगाएं की पॉइंट का, सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और कोई पैनिक क्रिएट मत करो, मस्त होके पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स होती हैं बात करो और उसे ख़त्म करो, लेकिन सिर्फ एक काम अवश्य करो और वह है पढ़ो। क्या बोला मैंने? पढ़ो, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। आपको अपनी सिचुएशन ऐसी रखनी है कि आपको कोई चीज़ अफेक्ट ना करे, आप हर छोटी छोटी बात में अगर ऐसे अफेक्टेड होने लग जाओगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत वीक हो जाएगा। आपको अपने आप को दुनिया से अलग रखना पड़ेगा, दुनिया के साथ नहीं चलना है, दुनिया के बिना चलना है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ हमें रखना है। जैसे हम सन्यासी देखते हैं ना, साधु महात्माओं को दुनिया में क्या हो रहा कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपनी तपस्या से मतलब होता है और उस तपस्या से ही वो भगवान से एक फल प्राप्त करते हैं जिससे उन्हें शक्ति मिलती है। ये भी आपकी तपस्या है, इसी तपस्या को बनाए रखने के लिए आपको इस दुनिया का मोह छोड़ना पड़ेगा। आपको अपनी दुनिया के आसपास में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर रखना है। समझ गए बात को? अपनी पढ़ाई को इस तरह से करो कि आपकी पढ़ाई को कोई दूसरा अफेक्ट ना कर सके।
ये भी एक तपस्या है, क्योंकि इसके बाद जब आप पास होंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे और आपको दूसरों से एक अलग पहचान मिलेगी। वही अलग पहचान होती है, वही शक्ति मिलना। समझ गए? तो प्लीज़ अपने आप को उसी तरह से बनाओ जैसे कि आप एक सन्यासी हैं और आपको अपनी तपस्या करनी है और उस तपस्या से आपको सिलेक्शन का फल लेना है। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।